जातिगत जनगणना के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया। जातिगत जनगणना, ये शब्द आते ही बिहार के हर लोगों का कान खड़ा हो जाता है। जातिगत जनगणना सामने आता है तो फिर ये भाजपा के लिए बड़ा दिक्कतमय हो जाएगा। जातिगत जनगणना, ये शब्द आते ही बिहार के हर लोगों का कान खड़ा हो जाता है, और सबसे ज्यादा कान खड़ा होता है तो बिहार सरकार का। अब बिहार सरकार के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खबर आने वाली भी है और आम लोगों के लिए भी। जातिगत जनगणना के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया है। अब वो फैसला क्या है, कब सुनाया जाएगा, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है, और अभी तक हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब आते हैं ये मामला, जातिगत जनगणना बिहार सरकार अपने खर्च पे करवा रही थी। बिहार सरकार कह रही थी हम जातियों की गणना करवा रहे हैं, क्योंकि जब जानवर, भैंस, बकरी, सांप, बिच्छू, सबका पता है कि कौन कितनी की संख्या में है, तो फिर जातियों का क्यों नहीं पता होना चाहिए कि हमारी जाति के कितने लोग हैं और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तर्क दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर जातिगत जनगणना सामने आता है तो फिर ये भाजपा के लिए बड़ा दिक्कतमय हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जिस कास्ट और जिस वे में राजनीति करती है वो सबको पता है। 80% लगभग जातिगत जनगणना हो गई थी, उसके बाद हाईकोर्ट को में ये मामला पिटिशन डाला जाता है कि इस पर सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट बैठती है, हाईकोर्ट इस मामले पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा देती है, और कहा जाता है कि जब तक अगला फैसला नहीं आएगा तब तक बिहार सरकार ना जितना आंकड़ा आया है वो रिलीज करेगी, ना जातिगत जनगणना करवा पाएगी। अब बिहार सरकार पेशोपेश में है। अब जातिगत जनगणना के मामले पे हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है, मतलब सुनवाई जो होनी थी वो पूरी हो गई है। मामला जो चल रहा था, जज साहब बैठकर दोनों पक्ष का उन्होंने सुन लिया है, फैसला भी अपना कर लिया है, मगर वो फैसला बंद है, बंद लिफाफे में है। वो फैसला को अभी बंद रखा गया है, बंद लिफाफे में रखा गया है, उसको फिर कुछ ही दिनों में हाईकोर्ट इस फैसले को सुनाएगी। फैसला तय कर लिया गया है। अब दो रास्ता है, अगर फैसला जातिगत जनगणना बिहार सरकार के उम्मीद के हिसाब से नहीं आता है तो बिहार सरकार क्या करेगी, क्या बिहार सरकार उस फैसले को आखिर मान के बैठ जाएगी या फिर वोट की राजनीति के लिए कानून लेकर आएगी, क्योंकि अध्यादेश ला सकती है सरकार, कानून बना सकती है। और अगर ये फैसला फिर अगर हाईकोर्ट ने कह दिया, कुछ भी हो सकता है, अगर हाईकोर्ट का ये फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आ जाता है, फेवर में आ जाता है, तो फिर भाजपा वाले लोग और जो इसका विरोध कर रहे थे वो क्या करेंगे। तो अब ये फैसला जिस दिन आएगा उस दिन बिहार और पूरे देश के लिए एक बड़ी न्यूज़ तो होगी ही, मगर साथ में पूरे राजनीति का केंद्र बनेगा ये फैसला। इसीलिए हाईकोर्ट ने ये फैसला कर लिया है, हाईकोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रखा है, कुछ ही दिनों में हाईकोर्ट ये फैसला सुना देगी। बाकी आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना के मामला पे, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।